हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट है। अपन पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सी, वी वर डीलिंग विद द थ्योरीज। थ्योरीज हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ ली थी, वर्नर्स थ्योरी पढ़ ली थी, एंड नाउ वी विल स्टडी द लास्ट थ्योरी, डैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बेसिकली जो डील किया गया वो था स्प्लिटिंग से। ठीक है, स्प्लिटिंग की यहाँ पे सबसे ज़्यादा चर्चा की गई। स्प्लिटिंग की चर्चा सबसे ज़्यादा यहाँ पर की गई कि लेट्स सी। सो सबसे पहले तो ये थ्योरी दी थी हैंस बेथे एंड जॉन वैन ब्लैक ने। ओके ओके, सो ब्लैक ने और बेथे ने ये जो थ्योरी दी, इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या थे? वो ये थे कि मेटल सेंट्रल एटम है। ठीक है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है तो इट इज व्हाट, कैटायन। मेटल एक्ट एज ए कैटायन, देन लीगेंड से ये सराउंडेड होता है। ओके, तो लीगेंड पे नेगेटिव चार्ज होता है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, लीगेंड एक्ट एज एनायंस। तो यहाँ पे सॉल्ट की अपन कह सकते हैं कि एक सॉल्ट है ना, मेटल और लिगेंड को मिला के एक सॉल्ट है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन बोथ। जैसे ये है और लिगेंड है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है। तो दो पॉइंट्स हो गए, एक तो कैटायन है, एनायन है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन है। अब लिगेंड एंड मेटल्स को क्या कंसिडर किया? मैंने आपको पहले ही बता दिया, लिगेंड्स को कंसिडर किया नेगेटिव पॉइंट चार्ज, मेटल्स को कंसीडर किया गया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, फिर क्या कंसीडर किया गया कि लिगेंड्स जैसे ही अप्रोच करते हैं मेटल को, मेटल के ऑर्बिटल्स की जो डीजेनरेसी होती है, डीजेनरेसी मीन्स व्हाट, सेम एनर्जी वो ब्रेक हो जाती है। जैसे ये डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर है, ये अभी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी सेम है, बट एज इन व्हेन लिगेंड विल अप्रोच, लिगेंड विल कम टू फॉर्म बॉन्ड विद द मेटल, इनकी जो डी जेनरेसी है वो ब्रेक हो जाएगी, डी जेनरेसी टूट जाएगी और कुछ ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी पे चले जाएंगे, कुछ लोअर एनर्जी पे आ जाएंगे। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये जो पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड पे, नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड पे। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो ये सारी चीजें अपन आगे देखेंगे। ओके, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको पढ़नी है ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल में। तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है कि मेटल से छह लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। इनऑर्गेनिक में ऑक्टा का मतलब छह होता है, सिक्स लिगेंड्स। ओके, तो ये मेटल है, इससे लिगेंड्स जुड़े हैं। अब आप यहाँ पे ये देखोगे, ये इनका थ्री डायमेंशनल डायग्राम है। देखो, अगर वाई और जेड के बीच में है लोब्स, तो ये डी वाई जेड ऑर्बिटल है। जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में लोब्स हैं, तो ये डी एक्स जेड है या जेड एक्स है। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लोब्स हैं, तो ये एक्स है, ये वाई है, इसके बीच में अगर लोब है तो ये एक्स वाई। ओके, डी एक्स वाई ऑर्बिटल। अब अगर एक्स और जेड तो परपेंडिकुलर है, ये एक्स है, ये वाई, इनके ऊपर लोब्स हैं, तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जेड स्क्वायर के ऊपर लोब है एक्सिस के ऊपर, तो ये डी जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपको पता है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर कैसे अरेंज है और क्या इनका मतलब है। अब आप देखोगे कि जैसे ही लीगेंड अप्रोच करता है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना। जैसे ही लीगेंड आपका अप्रोच करता है, क्या होता है, जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले ऑर्बिटल्स हैं, सिंस ये अलोंग द एक्सिस हैं, बिटवीन द एक्सिस नहीं है, सबसे ज्यादा रिपल्शन यही फेस करते हैं।
सबसे ज्यादा रिपल्शन जो होता है वो यही फेस करते हैं ये दोनों। ये देखो, ये वाले जो लिगेंड्स हैं सबसे ज्यादा आपके क्या रिपल्शन फेस करते हैं, और इसी वजह से जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऊपर चला जाता है, और डी एक्स वाई वाई जेड और डी जेड एक्स नीचे रह जाता है। ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक है, कि क्यों ऊपर गया क्यों नीचे गया। अब अपन देखते हैं कि ये डायग्राम है इसका, देखो स्प्लिटिंग का। आप देखो यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है, लिखा हुआ है डी ऑर्बिटल, ये भी डी ऑर्बिटल है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड एक्स जेड स्क्वायर, दो ऑर्बिटल्स ऊपर चले गए तीन नीचे रह गए। तो ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इनको आप टी टू जी ऑर्बिटल कहते हो, और जो ये ऑर्बिटल हैं दो इनको आप ई जी कहते हो। ऑक्टाहेड्रल में जी का यूज होता है, टेट्राहेड्रल में ई बस लिखते हैं और टी टू बस लिखते हैं, वहाँ जी जेरेड का यूज नहीं होता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो लाइन है ये आपकी बेरी सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लाइन करस्पॉन्ड कर रही है डेल्टा ओ इज वॉट, कि दो सेट्स जो स्प्लिट हुए हैं ऊपर वाला टी टू जी और ई जी, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है डेट इज वॉट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसको आप डेल्टा ओ से डिनोट करते हो। ठीक है, तो अब ये क्या है, टी टू जी की एनर्जी 2/5 डेल्टा ओ है और ये 3/5 डेल्टा ओ है। ठीक है, तो जब आप यहाँ देखोगे कि कुछ लिगेंड्स के लिए जो डेल्टा ओ है अगर वो हाई है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग अगर हाई है मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पेयर करना प्रेफर करेंगे, और पेयर करना प्रेफर करेंगे जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो टर्म यूज़ होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्योंकि डेल्टा ओ ज़्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, होन्स रूल का फॉलो नहीं होगा। अब अगर एनर्जी डिफरेंस कम है मतलब डेल्टा ओ की वैल्यू कम है तो ये जल्दी से ऊपर छलांग लगा के चले जाएंगे, है ना, और क्या होगा कि इनका वीक फील्ड लिगेंड टर्म यूज होगा और यहाँ पे होन्स रूल का फॉलो होगा। सो दिस इज वॉट ऑक्टाहेड्रल के लिए। अच्छा एक चीज़ और कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, तो अगर लिगेंड्स इंक्रीजिंग वैल्यू डेल्टा ओ की इंक्रीजिंग वैल्यू में अरेंज्ड हैं सो दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आप यहाँ देख सकते हो आयोडीन ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड देखो, फिर ओ एन ओ, फिर यहाँ ऑक्जलेट देखो, फिर थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, ई डी टी ए, देन देखो साइनाइड और कोबाल्ट अगर हैं, नॉट कोबाल्ट कार्बोनेट, इन सब की जो एनर्जी है डेल्टा ओ वो सबसे ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। सो आयोडीन से वाटर तक आप देख सकते हो वीक फील्ड है, और सीओ तक एनसीएस से स्ट्रॉन्ग फील्ड है। सो फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, डेल्टा ओ इज लार्जर देन द पेयरिंग एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल में पेयरिंग होती है। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी कम है और डेल्टा ओ ज्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो पेयर करना प्रेफर करते हैं, और इनको आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हो या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हो। ठीक है, अब ये एग्जांपल दिया हुआ है एक कि अगर आपका डी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने हर उसके बाद क्वेश्चन दिए हैं आपको समझाने के लिए कि आपको समझ आए। ठीक है, तो देखो यहाँ अगर अलग अलग लिगेंड्स प्रेजेंट है, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, और कॉन्फिग्रेशन दिया है डी का, तो आप कैसे लिखोगे। तो अगर आपका D6 है, D6 है और वीक फील्ड है, तो क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी, सिंगली सिंगली फिल होंगे, तो टी टू जी ऑर्बिटल में कितने चले जाएंगे, टी टी टू जी तीन है, ई जी दो है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो टी टू जी में 4 आ गए, ई जी में 2 आ गए। सेम D6 कॉन्फिग्रेशन अगर आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए मतलब पेयरिंग होके भरेगा, पेयरिंग होके भरेगा मतलब कि
ये टी टू जी ऑर्बिटल्स हैं, ये ई जी ऑर्बिटल्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो ई जी में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया, इसलिए टी टू जी में पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, ई जी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेम यहाँ पर है, 8 है, वीक फील्ड है, तो सिंगल सिंगल भर दो पहले, तो टी टू जी में 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8, तो टी टू जी में 6 आ गए, ई जी में 2 आ गए। अब आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड में भरना है तो पेयर करके भर दो, तो टी टू जी में 1 2 3 4 5 6, ई जी में 7 और 8, तो टी टू जी में 6 आ गए, ई जी में 2 आ गए। इस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, अगर आपको एग्जाम में आता है तो। ठीक है, ये एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अब आप देखो टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल का जस्ट ऑपोजिट, पूरा जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल का पूरा ऑपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। तब क्या होगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल में जो रिपल्शन फेस करेंगे वो फेस करेंगे बिटवीन द ऑर्बिट एक्सेस वाले, तो बिटवीन द एक्सेस में डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है, तो ये रिपल्शन ज़्यादा फेस करेंगे तो ये ऊपर चले जाते हैं और ये नीचे रह जाते हैं ई जी ऑर्बिटल्स। ई जी कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, तो इनकी एनर्जी कम है, उनकी एनर्जी ज़्यादा है, तो 2/5 उनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, ई जी की यहाँ पे कम हो गई। और जो रिलेशन है टेट्राहेड्रल और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बीच में, वो है डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ, डेट इज ऑक्टाहेड्रल के बीच में जो रिलेशन है वो ये है। सो आई होप आप लोग को ये पूरा समझ आया होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड थैंक यू, वी विल कंटिन्यू विथ मोर लेक्चर्स एंड वी विल डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ इट, एंड कीप लर्निंग कीप शेयरिंग। थैंक यू।